बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इतने DM आए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि दूसरा एपिसोड कब आ रहा है, तो जी खुश हो जाएं, दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो गया है। दावत में अभी पूरा एक दिन बाकी है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले सारे कपड़े इस्त्री कर लें, ताकि आज के दिन आपने बहुत काम करने हैं, आप इस काम से बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएँ। उसके बाद जब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो हमने स्टार्ट किया अपने किचन का काम। और किचन के काम में बन रही है कढ़ाई और गुलाब जामुन। अब आप लोग कहेंगे कि गुलाब जामुन बनाने की क्या तुक थी। वैसे तो मैं भी खुद सोच रही हूँ कि क्या तुक थी, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मिठाई बनाऊँ घर में खुद से। शायद मेरे पास बहुत टाइम था तो बहरहाल गुलाब जामुन की जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक ज़रूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए तो। जी बहुत आसान होते हैं, फटाफट बन जाते हैं, इतने भी फटाफट नहीं बनते, थोड़ा टाइम होना चाहिए आपके पास। तो बस गुलाब जामुन फ्राई करें, शीरे में डालते जाएं, शीरे में डाल के 10 मिनट पकाएं और फिर चूल्हे से उतार के ढक के रख दीजिए। तो मज़ेदार से गुलाब जामुन हो जाएंगे आपके तैयार। कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, कोई काले थे, कोई गोरे थे, लेकिन खैर है, चलता है सब। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई का जो टमाटर का बेस होता है वो मैंने बिल्कुल अलग बना लिया है। गोश्त मैं प्रेशर कुकर में गला रही हूँ, और यहाँ पे जो पिछले एपिसोड में दम का कीमा हमने मैरिनेट किया था वो पकने के लिए रख दिया है। और जी बीच बीच में जो है वो अपनी औलाद को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनका फंक्शन है और उनको ही आप पूछें नहीं तो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो बस बच्चे जो हैं वो बीच में मैगी नूडल खा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो दम के कीमे ने तो बहुत ही दम लगवाया। इसने कम अज़ कम जो है ना वो 1.5 से 2 घंटे जो है वो भुनाई करवाई है। और जी अभी ये सारे काम कम नहीं थे कि हमारे जो घर वाले हैं उनको गोलगप्पों का शौक़ चढ़ा, तो बस हमने जो है वो बिल्कुल एंड टाइम पे डिसाइड किया कि गोलगप्पे भी रखे जाएंगे। तो उसके लिए आलू बॉईल किए हैं छोटे टुकड़े करके, और उन्हें अब मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। इसके अंदर जो है वो एक चनों का टिन मैंने डाल दिया है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि उबले हुए जो है ना वो तकरीबन 1.5 कप चने हैं। अब इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, और इसको अपने हिसाब से जितना स्पाइसी और मज़ेदार बना सकते हैं बना लें। अब ये मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। तो बेसिकली ये गोलगप्पों की फिलिंग तैयार हो गई है, और अब इसको जो है वो कल हम पार्टी वाले दिन जो है वो गोलगप्पों में फिल करेंगे। और जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेंट पॉट है और उसमें जो है वो गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है, जब तक वो बिल्कुल ब्राउन नहीं हो गया। ये हलीम का गोश्त है, इसको मैंने कहा ज़रा मैं तैयार करके रख लूँ, क्योंकि हलीम पकना तो रात में है। तो जी वहाँ पे गोश्त भुन रहा था, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने पूरा टेबल का जो सेटअप है उसकी तैयारी कर ली है। अब आपके माइंड में जो भी डिस्प्ले का आइडिया है, आपने उस हिसाब से, उस थीम के हिसाब से घर में जो चीज़ें हैं वो निकाल के सामने रख लेनी है। मैंने ये गोल्डन बास्केट्स निकाली हैं, मेरे पास एक गोल्डन कलर की प्लेट है, एक बोल है जिसके अंदर गोल्डन सिल्वर बॉल्स हैं, फिर ट्रेज़ हैं, और ये मेरा स्टैंड है वाइट कलर का, बहुत पुराना स्टैंड है। इसी तरह से फूल हैं या ये मोती हैं। तो आपके घर में आपके कलर थीम के हिसाब से जितना कुछ है आप अपने सामने निकाल के रख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका डिस्प्ले सेट टेबल जो है उसका सेटअप होना कैसा है, ठीक है ना। अब चूँकि मेरे माइंड में ये तो है कि एक डिस्प्ले टेबल होना चाहिए, मगर वो डिस्प्ले टेबल में अरेंजमेंट कैसे करना है वो अभी मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि जब तक मैं पार्क में नहीं जाऊँगी तब तक मैं ये नहीं सोच सकती। बस आइडिया कर सकती हूँ कि चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वहाँ से तो वापस आके इनको लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो बस इसी तरह से आप अपने घर में जब पार्टी प्लान करेंगे, तो जितने आइटम्स हैं उसके हिसाब से थीम के बर्तन जो हैं वो इकट्ठे कर लीजिए। और लेट सपोज़ अगर आपके पास थीम कलर के बर्तन नहीं हैं या चीज़ें नहीं हैं, तो जिस तरह इस पर्पल बास्केट को मैं गोल्डन का इल्यूजन दे रही हूँ, जैसे ये येलो शीट में अंदर रख दूँगी तो ऐसा लगेगा कि इसमें एक गोल्ड का टच आ गया है। तो इसी तरह से आप अपनी ट्रे में या प्लेट में या मैट्स में वो वाले कलर शामिल कर सकते हैं जो आपकी थीम के हैं। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। अब जैसे ये सफ़ेद फूल हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह का एक कार्ड जो है मैंने अपनी बेटी से बनवाया, कितना अच्छा उसने बनाया है ना। तो इस तरह से बच्चों को भी इंगेज करें और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, कहाँ पड़ी हुई हैं, किस तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा एक बहुत पुराना पर्दा था जो बिल्कुल डिस्कार्ड होने वाला है, ये बीच में से फट गया है कई जगह से, तो मैं इसे फेंकने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस वाइट पर्दे के पीछे मैं इसको अगर इस्तेमाल करूँ
तो ये वाइट पर्दे को थोड़ा सा वॉल्यूम भी देगा और जहाँ जहाँ से उसका कलर नज़र आएगा वो अच्छा भी लगेगा। तो अब मैंने ये पर्दा वैसे जो है वो पार्टी के बाद फेंक ही देना है, लेकिन मैंने सोचा आखिरी दफ़ा इस्तेमाल कर लें। और टेबल पे बिछाने के लिए गोल्डन कलर का मैट है और आप देख लीजिए कि वो कितना अच्छा वाइट और गोल्डन का टच दे रहा है। अगर आपके पास कलरफुल चीज़ें ना हो तब भी मैट की मदद से जो है ना आप थीम को बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हलीम की दालें और गोश्त डाल के जो है वो इंस्टेंट पॉट में रख दिया है। 5 घंटे बाद इसमें खुद ब खुद प्रेशर लग जाएगा और मैं जिस वक्त फजर के टाइम पर उठ कर आऊँगी तो दालें और गोश्त बिल्कुल गला हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ईजाद है ये। और जी चलते हैं अपने किचन की तरफ। और 5 घंटे बाद प्रेशर कुकर ने खुद ही काम किया और प्रेशर कुक कर दिया था दालों को। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है इंस्टेंट पॉट, यानी कि मेरी गैर मौजूदगी में जो है इसने गोश्त को और तमाम दालों को जो है वो गला दिया था। तो इसमें से काफ़ी हद तक स्टीम रिलीज़ हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ी सी जो है वो निकाल दी जाए। उसके बाद जब मैंने खोला था तो माशाल्लाह हलीम की सब चीज़ें जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से गल गई थी। इसके बाद मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया और बघार के जो है वो स्लो कुकर पर रख दिया ताकि जब तक हमने दावत में जाना है ये हल्की आँच पर पकता रहे। यहाँ पर चावल हैं जो मैं भिगो रही हूँ बिरयानी के लिए, और साथ ही जो है वो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कलर की जेलीज़ बनाई हैं। अच्छा, जेली बनाना जो है ना वो होता कितना आसान है, लेकिन ये कितना मज़ेदार मीठा है ना। ये इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना अपीलिंग होता है। अगर आप प्यारे से कोई कप ले आएँ, छोटे छोटे से शॉट ग्लासेस लेकर आ जाइए और उसके अंदर आप इसको डिस्प्ले करें तो बच्चों को भी बहुत अपील करता है और ओवरऑल आपका जो टेबल का लुक है ना उसे भी इन्हेंस करता है। और जी इस वक्त अभी सुबह के मेरा ख्याल है 8-9 ही बजे हैं और इस वक्त मैंने सूप चढ़ा दिया है। सूप पक रहा है खूब ज़ोरों शोर से और यहाँ पे सैलेड की ड्रेसिंग बनाई है। कुछ भी नहीं है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड है, नमक है, काली मिर्च और लेमन जूस है। इसको मैंने रख दिया है सैलेड काट के उसके बीच में। जिस वक्त हमने खाने के साथ इसे सर्व करना होगा हम इसे ऊपर से अच्छी तरह से ड्रिजल कर देंगे। तो जी सैलेड भी डन हो गया है और अब हम आ गए हैं मछली की तरफ। और मछली के बहुत छोटे छोटे से पीसेज हैं, उनको हम मैरिनेट करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हम जाते ही वहाँ पर गोलगप पे सूप और मछली सर्व करेंगे और मछली वहीं पे पकाएंगे। है ना मज़ेदार आइडिया। और जी टिप ये है कि साथ साथ बर्तन धोते जाएं और नाश्ता ज़रूर करें, वरना आप कामों में इतना बिजी हो जाएंगे कि फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो मैंने सुकून से बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद आके मछली के अंदर जो है वो एक अंडे, 2 अंडे, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा फूड कलर डाला, क्योंकि अजीब सफ़ेद रंग की मछली थी तो मैंने कहा ज़रा कलरफुल हो जाए। और फिर हमारे गुलाब जामुन डिश आउट करके उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा उनका सिंघार पिटार कर दिया ताकि वो थोड़े हसीनो जमील लगने लगे। और यहाँ पे बिरयानी के चावल जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं और सूप के अंदर मैंने चिकन और कॉर्न डाल दिया है। बिरयानी को दम लगा लिया है। इसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। बस अब बिरयानी को दम पे रख देंगे, सूप के अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के जो है उसे फ़ाइनल कर देंगे। हलीम भी पकड़ें तो बिल्कुल आखिरी काम ये किया मैंने कि वॉफल्स को टोस्ट कर लिया। मुझे लगा बच्चों को जो है ना डिफरेंट और मज़ेदार चीज़ लगेगी, तो बस इन्हें ठंडा करके पैक कर लिया। सब कुछ क्लीन है, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। मिलते हैं पार्क में। जब तक मैं तैयार हो रही थी तो मेरे मियाँ और बच्चे जो हैं उन्होंने टेबल्स का अरेंजमेंट कर दिया पार्क में, और ये सब चीज़ें अभी साथ ले जाके वहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे सेटअप की जाएंगी। ये खूबसूरत फूल जो हैं वो मेरी दोस्त दे के गई हैं, बहुत शुक्रिया उनका, इन्होंने तो उस फंक्शन में 4 चांद लगा दिए। और जी अब हम चलते हैं अपने फ़ाइनल सेटअप की तरफ जिसका आप सबको इंतज़ार है। Thank you.
होपफुली आपको इन चीज़ों को देख के आइडिया मिल ही रहा होगा कि टेबल के ऊपर वही गोल्डन कवर बिछा दिया गया है और बास्केट्स को जो है वो स्टैंड की तरह यूज़ करके उसमें फूल रख दिए हैं। और ये जो आपको दो हाथ नज़र आ रहे हैं, ये मेरी बेटी और बेटे के हाथ हैं जिस पे उन्होंने वेलकम लिखा है, उस दिन की डेट लिखी है। और देख लीजिए वो मेरा पुराना पर्दा कैसे पीछे डिस्प्ले हुआ हुआ है। केक हमने बिल्कुल वाइट बनाया था, होपफुली आपको भी अच्छा लगा हो। पहले हम काफ़ी डर रहे थे कि इतना वाइट केक बनाएंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन आई थिंक सब कुछ ठीक ही रहा। तो अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर स्टैंड, हर प्लेट, हर बास्केट यहाँ पर नज़र आएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिस्प्ले किस तरह से किया गया है। दो टेबल्स को जोड़ के इसे डिस्प्ले किया गया है। बैकग्राउंड में जो है वो हमने डिवाइडर लगा दिया है। टोटल 4 बलून हमने इस्तेमाल किए हैं, कोई बड़े बड़े बंचेस नहीं यूज़ किए हैं। बहुत ज़्यादा बलून्स पर ख़र्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है हमारा फेवरेट पार्टी टॉपर जो उस दिन मैंने आपको बनाना सिखाया था, और आप देखें कि ये वाइट केक के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। महंगी चीज़ अच्छी लगे ना तो चलें, लगनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपकी बनाई हुई चीज़ इतनी प्यारी लगे तो क्या बात है। तो चलें अब हम काटते हैं केक, और दुआओं में आपने हमें याद रखना है। ये। ये। और जी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब और कामरान करे और कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बच्चों को हमने अलाउ कर दिया कि अब आप लोग इस टेबल से कुछ भी खा सकते हैं, तो बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। उतनी देर में हम चलते हैं अपने दूसरे कामों की तरफ। और जो बाकी टेबल्स थी उस कैनोपी में, उस पर भी हमने वाइट कलर का मैट बिछा के और उसके ऊपर फूल रख दिए थे ताकि ओवरऑल लुक जो है वो अच्छा लगे। बाय द टाइम मैं इधर पहुंची तब तक फ़िश तली जा चुकी थी, तो इसलिए सिर्फ उसके ऑयल की ही मैं आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ। तलने की मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। सूप मैं घर से बना के ले गई थी, यहाँ पे हमने चूल्हे पे उसे गर्म कर लिया। और जी सबसे पहले हमने इधर टेबल पे सर्व किए हैं गोल गप्पे, उसके साथ ज़बरदस्त मज़ेदार सा खट्टा पानी था। और जो रात को इन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती इमली की चटनी बनवाई थी वो हरी चटनी, और उसके अलावा सूप के लवाजमात हैं, फ़िश है जो कवर हुई हुई है, और सूप के ऊपर डालने के लिए मिर्चों वाले चिप्स हैं। तो जी ये है हमारी शानदार सी मछली और उसके साथ सूप। तो एपिटाइज़र के तौर पे हमने ये सर्व किया, और अच्छी ठंडी हवा चल रही थी तो मज़ा भी बहुत आया। और मुझे बहुत हैरत हुई कि गोलगप्पे तो बड़े हिट गए। पहले मैं सोचती थी कि बच्चियाँ ही शौक़ से गोलगप्पे खाती हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि हज़रात भी बहुत शौक़ से गोलगप्पे खाते हैं। तो गोलगप्पे बनाने की कोई मेहनत नहीं है, रेडीमेड गोलगप्पे ले लें, उसके सॉसेस वगैरह बनाइए और उसको अपनी पार्टीज़ में सर्व कीजिए। अब यहाँ पे जो है वो बाकी खाना जो है वो गर्म हो रहा है। जितनी देर में सूप वगैरह से फारिग हुए हमने वो सब चीज़ें हटा के जो है वो खाना लगाना स्टार्ट कर दिया। तो देख लीजिए बिरयानी में से कैसे धुआँ निकल रहा है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी टाइम पे इसे चूल्हे से उतारा गया था। और जी यहाँ पर नान है और ज़बरदस्त सा खाना आपके सामने है, इन्जॉय कीजिए। मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि इतनी बड़ी दावत आप अकेले कैसे मैनेज कर सकती हैं। पहली बात तो ये कि ये टीम वर्क होता है, लेकिन ऑब्वियसली पकाने का काम मेरा ही था। तो हमेशा मेन्यू ऐसा डिसाइड कीजिए जिसमें आप कम थकें और पहले से ज़्यादा काम कर सकें। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम एक दो दिन पहले से खाना नहीं पकाते, हम उसी दिन खाना पकाते हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि अगर आपने दोपहर को 2 बजे 50 लोगों को खाना सर्व करना है तो आप पूरी सुबह में 4-5 बजे से उठ के खाना भी पकाएंगे तो आप कितना थक जाएंगे। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। आप एक दो दिन पहले से तैयारियां स्टार्ट करें, डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम है तो वो और 3-4 दिन पहले से कर लीजिए, और बिल्कुल अपने आप को मेंटली तौर पर रिलैक्स्ड और प्रिपेयर्ड रखिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूर होता है, लेकिन ऐसी क्या बात है, जिन्हें आपने बुलाया है वो आपके दोस्त हैं, आपके प्यारे हैं, इन्जॉय करेंगे आपके साथ। अगर कोई गलती हो भी गई तो क्या हुआ। और जी ये ज़बरदस्त मीठा तीरा मिसू जो है वो मेरी दोस्त बना के लाई थी, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ेदार था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हाथ नहीं रुक रहे थे। और जी हमारे गुलाब जामुन भी बिल्कुल हिट गए, बहुत मज़ेदार थे। और ये गोल्डन वाली बास्केट आप देखें इस्तेमाल हो ही गई, इसमें हमने चम्मच फिट कर दी, और हमारे जो नेम टैग्स हैं वो बेचारे बार बार गिर रहे थे। इनके साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये आराम से सुकून से अगली दावत में खड़े रह सकें। तो जी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी दावत थी।
माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप अपने बजट में रह के बहुत आसानी से बड़ी दावतें कर सकते हैं। इस दावत में भी बहुत से बजट फ्रेंडली टिप्स और ट्रिक्स इन्वॉल्व थे। तो जी इंशाल्लाह कभी इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। और पार्टी का जब एंड हो गया तो हमने वही छोटे छोटे से जो टोकन हैं वो सबको दे दिए। इतना अच्छा मज़ेदार किस्म का ये फंक्शन था, लोग भी खुश थे, बच्चों को सब ने इतनी दुआएँ दी, प्यार किया, तो जब उन्हें एंड में हमने छोटे टोकन दिया तो होपफुली वो भी खुश हुए। तो हमारे सारे मेहमान चले गए, अब हमने सफाई का काम स्टार्ट किया। बहुत ठंड हो गई थी तो बस बैठ गए और खुद से ने काट काट के मेरे पाँव का अशर कर दिया था, और फैशन तो करना ज़रूरी है। बस हमने सारी सफाइयाँ की और हमारा ये आज का दिन जो है वो अख्ताम को पहुँचा। यहाँ पे कोई टेंट वाले या मेड्स तो है नहीं जो सफाइयाँ करें, तो जी देखें हमने कितना चमका के पूरे पार्क को साफ़ सुथरा कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है, जो जगह आप इस्तेमाल करें उसको साफ़ भी रखें ताकि कोई और भी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अगर आपको शौक़ है दावतें करने का, थोड़ी सी मेहनत करने की भी हिम्मत पैदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन की थकान है फिर आप बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से जुड़ने और पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और अगर आप लोगों को लगता है मैं थक गई थी, तो इन फूलों को देख के सारी थकन उतर गई। तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।